Assalamu alaikum, dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 16 of General Science. Our today topic is the sacrew. Open the page. Okay, dear students, आप लोगों ने inclined जो है वो previous topic के अंदर पढ़ा है. Inclined मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ थोड़ी सी turn हुई होती है जिसमें खम आ जाता है वो आपके पास जो है वो इंक्लाइंड है, जो झुकी हुई चीज़ है. जो सेक्रियो है इट इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन बट इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. मज़ीद इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ी सा रीडिफाइंड फॉर्म में, रीफॉर्म में उसको कन्वर्ट करके एक जो नई चीज़ बनाई गई है वो सेक्रियो है. हेयर यू कैन सी द पिक्चर. ये आपके पास बेसिकली वो नट एंड बोल्ट हैं जो आप डेली लाइफ में घरों के अंदर यूज़ भी करते हैं. ठीक है, अ सेक्रियो कंसिस्ट ऑफ द हार्ड मेटल रॉड हैविंग वेल कट स्पायरल थ्रेड्स ऑन इट्स सरफेस. अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास अगर एक सेक्रियो मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो स्पायरल्स यानी दिस वन कटिंग की फॉर्म के अंदर जो है स्पायरल थ्रेड्स मौजूद हैं. The distance between two successive threads of a screw measured along its axis is known as its pitch. Means यहाँ से ये देखें, एक आपके पास ये कर्व है, एक आपके पास ये कर्व है. इस कर्व का, इस कर्व से जितना डिस्टेंस है वो आपके पास पिच कहलाएगा. हेयर यू कैन सी वाट इज पिच, के एक स्पायरल से जब दूसरे स्पायरल पर आप उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं तो इतना जितना डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं पिच. और ये जो अगर जस्ट आप इसकी वन पॉइंट की बात करें, इट इज़ इट विल बी नाउन एज बोल्ट. कॉर्ड सक्रियो एंड नट्स एंड बोल्ट्स आर एग्जांपल ऑफ सक्रियो. अ सक्रियो जैक इज़ अ सिंपल मशीन हैविंग अ सक्रियो एंड अ लेवर इन अ कॉम्बिनेशन. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द सक्रियो जैक. अब इसके अंदर टू सिंपल मशीन्स की अटैचमेंट से एक सक्रियो जैक बना है. कौन सी सिंपल मशीन? एक आपके पास है लो लेवर और सेकंड आपके पास है सक्रियो. अब यहाँ पे आप देखें दिस वन, ये जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे ये छोटा सा बोल्ट या नट लगा हुआ है, इट विल बी एक्ट एज सक्रियो. और अपर आर्म और लोअर आर्म ये आपके पास जो है वो लेवर की फॉर्म के अंदर जो है वो वर्किंग कर रहा है. It is used to lift heavy objects such as a cars or trucks. A screw is preferred by carpenters to an ordinary nail. Can you say why it is, its thread grips the wood firmly and it cannot be pulled out easily? यानी कि carpenter मतलब लकड़ी वगैरह उठाने के लिए तो वो उनसे छूट जाती है, लेकिन अगर हम screw jack को use करें तो वो अच्छी तरह उस चीज़ को hold करके रखता है ताकि वो वहाँ से ना छूटे. तो इसलिए सक्रियो जैक को प्रेफर किया जाता है कि कार, ट्रक्स या फिर वुडन बॉक्स वगैरह को उठाने के लिए यूज़ किया जा सके. नेक्स्ट वन इज़ व्हील. आपको पता है कि व्हील की अगर हम बात करें, किसी भी कोई भी चीज़ यानी कि जो रोलर की फॉर्म के अंदर है वो एक्ट कर रहा है एज एन व्हील के तौर पर. आप डेली लाइफ में, आप घरों में वो चीज़ें देखते हैं जिनके ऊपर व्हील जो है वो नीचे लगा होता है. उसके अंदर मशीन की बात कर लें, वॉशिंग मशीन की, तो उसके नीचे जो है व्हील्स लगे होते हैं ना, तो अगर वो व्हील्स ना होते तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना जो है वो टफ़ होता है, लेकिन व्हील की वजह से उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है. सेम एज़ टीवी ट्रॉलीज की बात करें या कोई भी टेबल, अगर उसके नीचे व्हील हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना जो है वो आसान है. इस टॉपिक में हम इसी बात को पढ़ेंगे कि एक व्हील जो है वो किस तरह एक एक पर्सन की फोर्स को कम करके चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प आउट करता है. हेयर यू कैन सी एक्टिविटी के अगर फॉर एग्जांपल ये जो वुडन रोलर्स हैं, अगर ये इसके नीचे ना हो और इस वुडन ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो इसको स्लाइडिंग यानी इसको स्लाइडिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेके जाया जाएगा. स्लाइडिंग वाली जो ज़मीन है उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, उस केस में ये जो वुडन बॉक्स है ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकता. इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट. लेकिन अगर इसके नीचे जो है वो वुडन रोलर्स लगा दिए जाएं
और अब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाए तो ये आसान काम होगा। एक्टिविटी देखें, स्लाइड अ हैवी ब्लॉक ऑफ वुड विद अ स्प्रिंग बैलेंस, मेजर द फोर्स अप्लाइड, पुट द ब्लॉक ऑन 3 or 4 वुडन रोलर्स एंड पुट द ब्लॉक, मेजर द फोर्स इन दिस केस, व्हाट डू यू फाइंड, आर द टू फोर्सेस इक्वल, नो, यू विल फाइंड दैट लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड देन द ब्लॉक इज रोल्ड ओवर द रोलर्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वही बात के अगर उसको रोलर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाए तो उसमें फोर्स जो है वो कम चाहिए होती है, अगर रोलर्स को हटाकर स्लाइडिंग के ज़रिए इस वुडन बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह उठाने की कोशिश की जाए तो उसमें फोर्स जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। दिस इज़ द रीज़न डैट ऑल ओवर व्हीकल्स मूव ऑन व्हील्स एंड बाल बेरिंग आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। द व्हील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द मैन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर व्हील ना होता तो हमारी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको मूविंग वो मूव नहीं कर सकती थी। द बिल्डर्स ऑफ द पैरामिड्स इन इजिप्ट यूज रोलर टू ड्रैग ह्यूज स्टोन ब्लॉक्स। नाउ कम टू पेज नंबर 206 एंड द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ अ सेक्रियू, व्हाट इज़ मेंट बाय द पिच ऑफ द सेक्रियू। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्किंग लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पे राइट भी करना है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।